गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा चार विषय हिंदी इकाई आठ फल और फूल। आगळना वीडियो में आपणे फळो अने फूलोना हिंदी नाम विषे माहिती प्राप्त करेली। आजे आ पाठनू आपणे स्वाध्याय जोईए, पण ते पहेला फरी एक वार आ पाठनू आपणे रिविजन करीए। तो पहला जोईए फळोना हिंदी नाम। आम केरी, केला केळू, सेब सफरजन, अनार दाडम, अंगूर द्राक्ष, संतरा संतरु, मुसंबी मौसंबी, अमरूद जामफळ, चीकू चीकू, जामुन जांबू, पपीता पपैयू, तरबूज तरबूज तरबूज। आ थया फळोना हिंदी नाम। हवे आपणे फूलोना हिंदी तथा गुजराती नाम विषे एक वार रिविजन करिए। गुलाब गुलाब, कमल कमल, सूर्यमुखी सूरजमुखी, गेंदा गलगोटो, गुड़हल जासूद, मोगरा मोगरो। हवे आ पाठनू आपणे स्वाध्याय जोईए। प्रश्न नंबर एक। निम्नलिखित फूलों और फलों के पास उनके गुजराती नाम लिखिए। अहीं आपने फलों अने फूलों ना हिंदी नाम आपेला छे, एनी सामे तेनी सामे आपणे तेना गुजराती नाम लखवाना छे। पहेलुं छे आम, तो तेनो तेने गुजराती में कहेवाय केरी। पछी तरबूज, तेने कहेवाय तरबूज, तेने कालिंगड़ू पण कही शकाय। जामुन, तो तेनो अर्थ थशे जांबू। चीकू चीकू, गुलाब गुलाब, केला एटले थाय केळू, पपीता एटले पपैयू, गुड़हल एटले जासूद। प्रश्न नंबर बे। निम्नलिखित फूलों और फलों के पास उनके हिंदी नाम लिखिए। अहीं आपणे गुजराती में फलों अने फूलों नाम आपेला छे, तेनी सामे आपणे हिंदी फलों अने फूलोना फूलोना नाम लखवाना छे। पहेलू गलगोटो, तो तेने हिंदी में कहेवाय गेंदा। पछी कमळ, तो तेने कहेवाय कमल। पछी छे सूरजमुखी, तेने कहेवाय सूर्यमुखी। पछी सफरजन, तो तेने हिंदी में कहेवाय सेब। मोगरो मोगरा, दाडम अनार, जामफळ तेने हिंदी में कहेवाय अमरूद, द्राक्ष तेने हिंदी में कहेवाय अंगूर। एना पछी प्रश्न नंबर त्रण। प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। अही तमने चित्र दोरेला आपेला छे, पण ज्यारे तमे आ प्रश्न नोटबुक में लखो त्यारे चित्रनी जग्याए तमारे तेना गुजराती नाम लखवाना रहेशे। अहींया छे पहला सफरजनु चित्र छे, तो एना स्थान पर तमारे सफरजन गुजराती नाम लखवानु छे अने तेनी बाजुमा तमारे हिंदी नाम लखवानु छे। अही आपणे कोष्टकमां फळોના અને ફૂલોના હિન્દી નામ આપેલા છે, એ સાચા શબ્દો શોધીને આપણે જે તે ફળ અને ફૂલોની બાજુમાં નામ લખવાના છે। પહેલા છે સફરજન, તો તેને કહેવાય સેબ। એના પછી દાડમ, તેને હિન્દીમાં કહેવાય અનાર। પછી દ્રાક્ષ, તેને કહેવાય અંગૂર। સૂર્યમુખી, તો તેને હિન્દીમાં કહેવાય સૂર્યમુખી। एना पछी जामफळ, तो तेने कहेवाय अमरूद। एना पछी छे जासूद, तो तेने कहेवाय गुड़हल। एना पछी केरी, तो तेने कहेवाय आम। केळू, तो तेने कहेवाय केला। तो आजे आपणे पाठ आठ मां स्वाध्यायमां प्रश्न नंबर एक बे अने त्रण જે જોઈ ગયા છીએ તેની નોંધ તમારે નોટબુકમાં અને ચોપડીમાં
बन्ने मां करवानी रहेशे।